जेल बहुत अच्छा स्थान है, मैंने खुद यहाँ 9 सालों तक रहकर देखा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये कहना है अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर का। देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी भोपाल से बीजेपी सांसद और हिंदूवादी नेत्री ने गुरुवार को एक शासकीय कार्यक्रम के दौरान अजीबोगरीब बयान दिया है। भोपाल सेंट्रल जेल में हुए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि जेल बहुत अच्छा स्थान है, मैं खुद 9 साल यहाँ रही हूँ, इससे अच्छा और एकांत स्थान कहीं नहीं है। बिना गलती के अगर आप जेल पहुँच जाए तो निराश ना हो, सत्य के मार्ग पर कभी भी हार नहीं होती है। इतना अच्छा स्थान में इसलिए कह रही हूँ, कभी भी कोई भी क्रांतिकारी अगर जेल में आया तो उसको एकांत मिला है और उस जीवन में उसने जो उपलब्धि पाई है वह बड़ी श्रेष्ठकर है। बाल गंगाधर तिलक जी ने यथार्थ गीता लिख दी। अन्य क्रांतिकारियों ने वर्तमान समय के तमाम प्रकरण लिखे। रखिए कि ईश्वर सब जगह आपकी आत्मा में भी विराजमान है। यदि आपने कुछ नहीं किया है तो आपको पल भर भी कष्ट नहीं होगा। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यह चीज मैंने स्वयं ने 9 वर्षों तक जेल में रह करके जी है, मैंने वो जीवन जिया है। कानून का पालन करती थी और कानून का पालन करवाती थी। इस जेल के जो लोग, स्टाफ और बंदी, भाई और बहन जो भी हैं, सबको मालूम है कठोरता अगर हमारे जीवन में है, नियम के प्रति अगर हमारी सजगता है तो हम कहीं भी परास्त नहीं हो सकते, क्योंकि हम सत्य के मार्ग पर हैं। कोई गलत काम करने के सुख के लिए कोई गलत काम करेंगे नहीं और सत्य के लिए कभी दुख महसूस करेंगे नहीं। ये दर्शन है। जब मुंबई में जेल में थे वहां मैंने एक ठाकुर की तस्वीर लगा रखी थी, हनुमान जी, माता जी, प्रभु राम जी, गुरुदेव, इन सबको मैं, सभी एक हैं, मैं अद्वैत ही हूँ इसलिए सब एक हैं और उनको मैं ठाकुर बोलती हूँ। वहीं NIA कोर्ट द्वारा उन पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाए जाने पर साध्वी ने कहा कि कोर्ट का काम वकील देख रहे हैं। मैं सदैव तैयार हूँ, चाहे वो जेल हो चाहे वो खेल हो, सदैव कहीं भी कभी भी राष्ट्र कार्य के लिए तत्पर हूँ। वो हमारे कोर्ट का काम है, वकील देख लेंगे उसको। दरअसल मालेगांव बम ब्लास्ट के आरोपी और भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को गुरुवार को NIA कोर्ट मुंबई में पेश होना था, लेकिन सांसद प्रज्ञा कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसे लेकर NIA कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। भोपाल से सुशील यादव के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट।